नमस्कार। न्यूज ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कमलनाथ सरकार की नई कार्य संस्कृति के बारे में। जैसे जैसे विवाद बढ़े, वैसे ही कमलनाथ जी ने अब अपना हुनर, जिसको कहें अपनी खूबी, दिखाना शुरू कर दी है। वे ये अब प्रदर्शित कर रहे हैं कि किस तरह से वे जनता के आदमी हैं, किस तरह से वे छिंदवाड़ा से लगातार जीतते रहे, अब वे पूरे मध्य प्रदेश को अपना कार्य क्षेत्र बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जनता के बीच जनता के दुख दर्द बांटने की उनकी जो शैली है वो अब नज़र आ रही है। इसका ताज़ा उदाहरण है कि उन्हें अपने हाथ का ऑपरेशन कराना था, उसके लिए उन्होंने कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं चुना, उन्होंने सीधे तौर पर भोपाल के सरकारी हमीदिया अस्पताल को इसके लिए चुना और ये भी कहा कि मैं इसी अस्पताल में अपनी सर्जरी कराऊँगा। उनके इस कदम से कांग्रेसी खुश हैं, वो अपनी जगह है, बीजेपी वाले नाराज हैं, वो अपनी जगह है, पर जनता में इसकी बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया है। जनता चाहती भी यही है कि नेता हों या अधिकारी हों, जो सरकारी संस्थान आम जनता के लिए हैं वो नेताओं के लिए भी होना चाहिए। बदलती कार्य संस्कृति के क्या मायने हैं, आज इस पर आज हम चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसको पक्ष और विपक्ष किस तरह से ले रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अगर मैं बात करूँ सपाक्स की, तो हरिओम गुप्ता जी हैं, वो यहाँ अपने दल का भी पक्ष रखेंगे और साथ साथ जो एक ब्यूरोक्रेसी का अंदाज या एक रवैया होता है उस पर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे, क्योंकि वो एक पूर्व ब्यूरोक्रेट भी हैं। यहाँ अगर हम बात करें इस पूरे कार्य संस्कृति की मीमांसा की, तो जाहिर सी बात है वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी उसके लिए मौजूद हैं, वो अपनी समीक्षा प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे बनता है शैलेंद्र जी, ऊपर की विंडो में आप तस्वीर देख रहे हैं, कमलनाथ जी हैं, मध्य प्रदेश के CM हैं और हमीदिया जैसे सरकारी अस्पताल में वो भर्ती हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर याद करें कुछ दिन पहले UP या बिहार में एक डिसीजन आया था, हाईकोर्ट ने दिया था कि अगर सब IAS अधिकारियों और कलेक्टर्स के बच्चे सरकारी स्कूलों में जान लगेंगे तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधर जाएगी। वो ऑर्डर तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, पर निश्चित ही माननीय कमलनाथ जी ने जो हमीदिया अस्पताल में अपना इलाज करवाया, ये सराहनीय है। और इससे मेरा ऐसा मत है कि जो शासकीय डॉक्टर्स है उनका भी मनोबल में सुधार आएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है, और राजनीति से उठकर व्यवस्था को सुधारने के लिए वाकई आप जैसे नेताओं की और आप जैसे नेताओं की विचारधारा की ज़रूरत है जो जनता से मेल खाती है। आपसे ये सवाल गुप्ता जी, कि चूंकि आप ब्यूरोक्रेसी में भी रहे हैं, तो ये जो कदम है CM का, इसको आप कैसे देखते हैं? चूंकि अर्जुन सिंह जी के बाद, मतलब सालों बाद, मतलब 3 दशक बाद अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हो रहा है CM स्तर का, तो क्या संदेश जाता है इससे? नहीं देखिए, इससे जो शासकीय तंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ होती हैं, और मुख्यमंत्री जी ने वैसे कोई बहुत बड़ी इंजरी वाला मामला नहीं था, सामान्य ऑपरेशन जैसा मामला था, और उन्होंने भले सामान्य बीमारी के लिए भी अगर अपने स्वयं सरकार द्वारा वित्त पोषित शासकीय अस्पताल में जाकर उपचार कराया है, तो निश्चित रूप से इसका संदेश अच्छा जाएगा। और जो वहाँ सिस्टम है, जैसा हम रोज हमीदिया की शिकायतें सुनते हैं, उस सिस्टम को अगर हमारे जो राजनेता हैं और जैसा हमारे पूर्व प्रवक्ता प्रधान साहब ने भी कहा कि यदि सरकारी सिस्टम के सारे लोग सरकारी सुविधाओं का उपभोग करने लगे तो हम उस सिस्टम को सुधार सकते हैं, क्योंकि जब हम स्वयं उसमें इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ जो कमियाँ हैं उन कमियों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से कमलनाथ जी ने जो एक मैसेज दिया है, अब इसका अनुसरण मैं समझता हूँ कि सभी राजनीतिक दल के जितने भी सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो यदि सभी लोग इसको करें तो उसका काफ़ी लाभ मिलेगा। और जो जिला अस्पतालों में जिस तरह की कभी कभी अव्यवस्थाओं की जो बात आती है उस पर भी अंकुश लगेगा। जहाँ तक एक स्मरण मुझे आता है, अभी पिछली सरकार में
माननीय उमा शंकर जी मंत्री थे या भोपाल के, और उन्होंने कुछ साल दो साल रेगुलर 1250 में एक मंगलवार के दिन कैंप लगाया करते थे, और कम से कम मंगलवार के दिन तो जिस दिन वो मंत्री जी जाते थे उस दिन सारे मरीजों का पूरा उपचार होता था। तो इतना तो दबाव बनता है, यदि सरकार के लोग और प्रशासन के लोग सरकारी सिस्टम में सीधे तरीके से इन्वॉल्व होते हैं तो व्यवस्था परिवर्तन होगा, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हम सरकार के खजाने से जो एम्प्लॉई नियुक्त है, जिसको इतने सारे वेतन भत्ते के रूप में सरकार पैसा देती है, और वो अगर अपनी ड्यूटी ना करे या उसकी ड्यूटी गुणवत्तापूर्ण नहीं हो तो ये एक कल्याणकारी राज्य में एक विपरीत मैसेज है, और इस पर चेक एंड वॉच करने के लिए इस तरह के प्रयास करना साधुवाद की स्थिति बनती है कमलनाथ जी के लिए। और लेकिन इसको निरंतर रखें, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आज एक बार कार्यक्रम हो गया, वो उनका मैसेज जाना चाहिए सब लोगों के लिए कि भाई प्रयास करें कि भले छोटी मोटी या जो भी जितनी सुविधाएं आम आदमी को वहाँ मिलती हैं, अगर उनसे संबंधित कोई बीमारी या अन्य कोई बात है, स्कूल की बात है, तो उनका उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल दुबे जी, आपसे मैं जानना चाहूँ कि लगभग 3 दशक बाद अगर कोई मुख्यमंत्री पहुँच रहा है हमीदिया, तो चूँकि आप खबरों से जुड़े व्यक्ति हैं जो सरकारी अस्पतालों को नज़दीक से देख रहे हैं, उनकी अव्यवस्थाओं को देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ कमी इसी वजह से है कि नेताओं ने अधिकारियों ने अस्पताल जाना बंद कर दिया है सरकारी? तिवारी जी, देखिए प्रकृति में जो व्यवस्था है वो सबके लिए बराबर की, जैसे ऑक्सीजन हवा बराबर है, पानी सबके लिए बराबर है, लेकिन अपने यहाँ जो प्रजातंत्र लोकतंत्र सबके लिए है, वहाँ एक जो चलन चला कि रुतबे का हमें अलग दिखना है, हम VIP हैं, हम खास हैं, उससे जो संस्कृति बिगड़ी। तो जब आप 5-स्टार जैसी अस्पतालों में इलाज कराने जाएंगे तो सरकारी अस्पताल के हाल कौन देखेगा? आप देखेंगे कि जैसे ही मरीज पहुँचता है वहाँ, जब वो एडमिट करने के लिए कहते हैं तो उस एक लिख के दे देते, जाओ ये ले आओ, ये ले आओ, पट्टी नहीं, अभी डॉक्टर आ रहे, बैठो। पता चली कई बार मरीज तड़प रहा है, डॉक्टर चाय पीने चला गया। ऐसे बहुत सारी अव्यवस्थाएँ हैं। आप देखें कि जानवरों के इंजेक्शन आदमियों को लगा दिए गए, ऑपरेशन में आँख फोड़ दी गई, ऐसी बहुत सारी व्यवस्था। लेकिन जब कोई VIP आदमी इस तरह से जाएगा तो फिर चौकन्ना अस्पताल प्रशासन रहेगा, डॉक्टर भी सतर्क रहेंगे, कभी भी कोई भी आ सकता है, वो व्यवस्थाएं सबके लिए रहेंगी। और ये नेताओं के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आम जनता उसको अपने जैसा जुड़ा मानती है। आज जो वहाँ इलाज कराने वाले लोग हैं वो गर्व से कहेंगे हम उसी हमीदिया में इलाज करा रहे हैं जहाँ मुख्यमंत्री जी कराते हैं। नहीं तो एक हीन भावना आ जाती है, अरे यार तुम हमीदिया में इलाज करा रहे, बंसल में या किसी बड़े अस्पताल में क्यों नहीं गए? तो ये समानता लानी पड़ेगी। आप देखें कोई चाय वाला बन के, चौकीदार बन के प्रधानमंत्री के पद पे, और वो अपने को रिलेटेड करता है आम आदमी से, गरीब आदमी से, और वो अच्छी सफलता प्राप्त करता है। तो अब ट्रेंड बदल चुका है, वो जमाना गया कि जब आप गंधारी और फूल रुतबे और लाल बत्ती चमक रही है और आप जा रहे हो, लोग आ रहे हैं पीछे। अब सब स्वाभिमानी नई पीढ़ी है जो स्वाभिमान के साथ जाती है आपके साथ। यदि आप उसके साथ उसके मैदान में उसकी प्लेटफॉर्म पे आके बात करेंगे तब तो वो सम्मानजनक बात करेगा, अन्यथा मजबूरी में आपके पास चला जाए, दिल से कोई नहीं जुड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को ये शपथ लिए संविधान में सबके लिए बराबरी का करने की, ऐसे लोगों को जरूर केवल अस्पताल में नहीं, अपने बच्चों के एडमिशन भी सरकारी स्कूल में कराना चाहिए, कभी कभी सरकारी बसों में यात्रा करनी चाहिए। जो भी सरकारी आप व्यवस्थाएं सुधारना चाहते हैं उसमें औचक ये सब चीज़ें करना चाहिए, तब जाके व्यवस्था भी सुधरेगी और आम आदमी भी, आपने वो अनिल कपूर की एक नायक फिल्म देखी होगी, तब जाके नेता, वो तो एक दिन में आपके लिए तो 5 साल मिलते हैं। आप यदि इस तरह से व्यवस्थाओं को सुधारने का काम शुरू करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छी सफलता भी मिलेगी। आप देखें, आप 24 घंटे हुए जा रहे हैं, इस खबर को सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सब पे चल रही है खबर, और एक जो धुंध छाई थी, एक जो सरकार को लेकर भ्रम असमंजस, उसको एक थोड़ा सा पॉजिटिव दिशा मिली कि नहीं मुख्यमंत्री जी कुछ करना चाहते। अगर हम पुरानी सरकार की बात करें, शिवराज सरकार की, तो आपको क्या लगता है, शिवराज जी तो और ज़्यादा ज़मीन से जुड़े व्यक्ति थे, क्या वो सरकारी अस्पतालों का रुख करते थे बीमार होने पर? देखिए शिवराज जी जब युवा मोर्चा में थे तब बहुत आम आदमी थे, लेकिन क्या होता है जैसे ही मुख्यमंत्री वो बने,
तो अधिकारी जब उनको सलाह देने लगते हैं, साहब यहाँ कहाँ आप बॉम्बे चलिए, आप देखो उनके परिजन इवन पत्नी का भी इलाज बॉम्बे में हुआ और प्राइवेट प्लेन से जाते थे, तो वो जब कई बार अधिकारी जो रहते हैं वो उनको ज़मीन पर नहीं रहने देते, वो सलाह देते कि आप ऐसा करिए, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा वो। लेकिन फिर भी जो 13 साल के किसी मुख्यमंत्री में अहम आना चाहिए वो शिवराज जी में अहम नहीं आ पाया, खाली वो इन चीज़ों को कहते जितना अच्छे से रहे उतने जितने से आत्मसात जरूर नहीं कर पाए। वो बातें उनके भाषण सुनो तो लगता था कोई अच्छे संत के प्रवचन चल रहे हो, वो बहुत अच्छी बातें करते थे। गुप्ता जी से पूछते हैं, गुप्ता जी अहम आया था कि नहीं 13.5 साल? एंकर आया, उनका जो आखिरी का पीरियड है और जो सत्ता बदली है वो एंकर के कारण ही हुई है। दो हजार जो लास्ट पीरियड था उनका 5 साल का, आपकी पार्टी का तो उदय ही एंकर पे हुआ। बिल्कुल एंकर कारण हुआ, 14 से 19 के बीच में उन्होंने ग्रास रूट लेवल से अपना संपर्क खत्म कर दिया था, जिसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण है। आपकी महिला कार्यकर्ताओं स्वास्थ्य वाली मिलने आई बंगले पे, उनको नहीं मिलने दिया। मतलब आपने अपने आभा मंडल के आसपास ऐसे लोगों को रख लिया था जो आपको आम जनता से काट के रख दिया था। और बातें करना अपनी बात है, लेकिन उसको वास्तविक रूप से धरातल पर उतारना दूसरी बात। मुझे अच्छी तरह मैंने स्वयं देखा है, उनके पिताजी का हमेशा उपचार बंसल हॉस्पिटल में हुआ या बॉम्बे में हुआ। तो अगर जबकि ऐसा कोई गंभीर बीमारी नहीं रहती थी, वो चाहते तो हमीदिया उस समय भी और अच्छी सुदृढ़ स्थिति हो सकती थी। अब हम 2-4 महीने में कभी क्षेत्र में, 6 महीने में, 1 साल में कभी कोई शिकायत मिल गई, कोई कार्यकर्ता भर्ती हो गया देख लिया, तो उससे सिस्टम थोड़ी सुधरता है। जहाँ तक संवेदनशीलता है, संवेदनशील रहे होंगे, लेकिन अहंकार अवश्य था और अहंकार का मर्दन ही जनता ने अपने मत देकर किया। तो ये मैं दुबे जी की मैं उस बात से तो सहमत हूँ कि वो संवेदनशील हैं, अच्छा प्रवचन देते हैं, प्रवचन ऐसा देते हैं जैसे कोई संत दे रहा हो, लेकिन उसको अमल में लाना भी एक अत्यंत आवश्यक बात है। और आप जनता से जुड़े व्यक्ति हैं, जैसे आपने कहा युवा मोर्चा का, मैं उनके विधानसभा क्षेत्र में, तो उनमें घमंड आ गया था आपका कहना है सर? घमंड था और इसी के कारण उनकी सत्ता गई। माई का लाल से आप ज्यादा व्यथित? बिल्कुल बिल्कुल, माई वो एक, वो तो एक उन्होंने माइलस्टोन था आपके लिए, माइलस्टोन था हमारे लिए तो। हाँ, लेकिन आपकी पार्टी के लिए वस्तु स्थिति बिल्कुल उनके सामने, वस्तु स्थिति आने के बावजूद भी उनमें परिवर्तन ना आना, ये एक गंभीर बात थी। और वो अब हो सकता है इस समय विपक्ष में है तो आत्मचिंतन करते होंगे कि मेरे से कहां कहां किस तरह की त्रुटियां। बिल्कुल, या प्रधान जी आपसे ये सवाल के बात चुकी पूर्व मुख्यमंत्री की भी हो रही कि वर्तमान का जो मुख्यमंत्री है उसे 6 महीने और अगर आचार संहिता की अवधि हटा दें तो 3 ही महीने हुए और सरकारी अस्पताल में वो इलाज कराने पहुंचते हैं। आपके पार्टी के एक मुख्यमंत्री अगर इस तरीके का रवैया रखते हैं कि नहीं साहब सरकारी की बजाय प्राइवेट बेहतर हैं, तो ये क्या रवैया है? देखिए कल ही या परसों ही एक बयान आया था माननीय गोविंद सिंह राजपूत का कि माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रियों की और विधायकों को मिलने का समय नहीं देते। देखिए एक होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर माननीय कमलनाथ जी ने हमीद अस्पताल में इलाज कराया वो अलग बात है, पर कमलनाथ जी आम जनता के आदमी हैं और शिवराज जी आम जनता के आदमी नहीं है। अगर इस पे बहस हो रही है तो मैं निश्चित मैं कहूँगा नहीं, सिस्टम को सुधारने की बात हो रही है, आदमी तो कोई किसी का नहीं है आजकल, घर वाले नहीं है तो बाहर कैसे आप बात करेंगे? देखिए सिस्टम माननीय कमलनाथ जी एक दिन और उंगली का एक छोटी सी ऑपरेशन के लिए हमीदिया अस्पताल गए और इससे पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं का सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। पर शुरुआत तो है, आपके तो मुख्यमंत्री जाते ही नहीं थे। देखिए अब आपको वो घटनाक्रम याद है कि नहीं कि एक महिला का शव जो है वो चूहे को तर गए थे, याद है आपको? और शिवराज जी पहुँचे फनफनाते हुए भड़बड़ाते हुए कि साहब कैसे हो गया ये और ये वो, तत्काल प्रभांशु कमल को हटा, इसको हटा, सबको हटा टू दिया और बाद में फिर वही व्यवस्था वहाँ, फिर भी जो है वो शव कुतरे जा रहे हैं चूहों के द्वारा। तो आपको लगा कि व्यवस्था सुधरी तब 13.5 साल में? अगर मुख्यमंत्री के जाने से शव का कुतरना बंद हो गया ऐसा आप कह रहे हैं,
नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बंद नहीं हुआ ये तो ये फेल्यूर है कि नहीं है किसी मुख्यमंत्री का कि वो घोषणाएं वादे और जनता का आदमी और घड़ियाली आंसू और काम कुछ नहीं दिख रहा। देखिए, अगर मुख्यमंत्री इन सब चीजों पे भी अगर नजर करने लगेगा और स्वास्थ्य सचिव या जो सिविल सर्जन है वो उदासीन रहेगा तो मुझे लगता है सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। सिर्फ एक बार मुख्यमंत्री के हमीदिया अस्पताल में उंगली के ऑपरेशन कराने से मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जो जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मैं तो यहाँ बात ही नहीं कर रहा जनता से, मैं तो सिस्टम की बात कर रहा हूँ। 13.5 साल कम होते हैं हमीदिया अस्पताल को, वर्ल्ड क्लास छोड़िए, अपना नेशनल का क्लास छोड़ दीजिए, अरे स्टेट लेवल का तो बढ़िया बना देते। देखिए, अगर हमीदिया अस्पताल की बात करें तो वो कितनी बड़ा अस्पताल होने वाला है उसकी हम और आप देख के ही कल्पना कर सकते हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर आपने काम किया तो क्या आपको भरोसा नहीं था हमीदिया के डॉक्टरों पर, वहाँ के वार्ड बॉय, वहाँ की नर्सें, वहाँ के अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी, किसी भरोसा नहीं था कि ये तो सब ऐसे ही हैं चंगू मंगू? नहीं, अब उनका क्या बीमारी थी, वो क्या इलाज था और उसमें कितने स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता थी, ये विषय भी बड़ा गंभीर विषय है। आपको नहीं लगता शैलेन जी आपको नहीं लगता कि ये उंगली का ऑपरेशन तो चलिए मैंने मान लिया छोटा सा था, अगर वो बीमार हुए तो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती, उनके परिजन बीमार हुए तो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती, तो ये आपको नहीं लगता कि ये गलती आपकी सरकार ने ऐसी कई की हैं जिनकी वजह से आपका जनता से जो जुड़ाव था वो हटता चला गया? नहीं तो आपका ये मतलब है इसका कि माननीय अगर कमलनाथ जी अपनी उंगली का उपचार करा लेंगे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत पॉपुलर हो गई, ये आप? मैं उस पर नहीं, मैं तो 13.5 साल में सिस्टम की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, सुन लीजिए मेरा सवाल, सुनिए, मैं ना तो इनकी उंगली की बात कर रहा हूँ और ना आपके जिसको कहें बहुत ही सम्माननीय नेता के बारे में कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ जो आपको बुरा लगे। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ क्या सिस्टम सुधरा 13.5 साल में? देखिए, सिस्टम सुधरेगा आम कर्मचारी, आम डॉक्टर, आम अधिकारी, उसके कौन सुधारेगा इसको? एक मिनट समझ, सीएम की कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, ये भावना अगर माननीय मुख्यमंत्री की भावना से ही अगर होना है तो ये बड़ी बात होगी। देखिए, बेसिकली आज भी क्यों नहीं होगी, मुखिया तो वही है ना प्रदेश का, जब मुखिया ही अपने स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा नहीं कर रहा। आपकी बात मान लेते हैं, इसका मतलब आज के बाद समस्त अस्पतालों की समस्त सुविधाएं स्वस्थ हो जाएंगी, बीमार नहीं। अरे तो उनका तो अभी 6 ही महीने हुए हैं, आपको तो मैं 13.5 साल बनाम 6 महीने की बात कर रहा हूँ। मैं तो साहब आज ही माननीय अजय सिंह का एक बयान आया कि माननीय मंत्री और विधायक आम कार्यकर्ता की भावना का कदर करें और इस तरह के बयानबाजी ना करें। तो माननीय अजय सिंह जो बात कह रहे हैं उसका भी एक सब्जेक्ट का विषय है। एक पर्टिकुलर विजिट से आप अगर कंपेयर कर रहे हैं कि ये एकदम स्वर्ग हो जाएगा तो हम देखते हैं 4.5 साल और देखेंगे। बिल्कुल, इतना इंतजार आपके नेता कर पाएंगे जो इतनी तेजी से उछल? नहीं, अब ये देखिए, माननीय विधायक गण जो कांग्रेस के ही हैं और जो आपस में मीटिंग कर रहे हैं और अब वो अलग अलग कैंप के माननीय विधायक इतना बर्दाश्त कर पाएंगे, ये आपको माननीय विधायकों से पूछना पड़ेगा, मुझसे पूछने से नहीं, क्या? मैं तो अभी सिर्फ सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मेरे को तो जनता से सरोकार है, मुझे ना आपके नेताओं से ना इनके नेताओं से कोई लेना देना, मैं तो सिर्फ सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि सिस्टम तभी सुधरता है जब मुखिया उसको खुद महसूस करे, वो खुद उनके बीच रहे? देखिए, इसका मतलब माननीय शिवराज जी आप ये कह रहे हैं 3 बार चुनाव जीते और आप ये कह रहे हैं उसके बाद भी इनएफिशिएंट है, तो मैं माननीय मीडिया के एक कमेंट के ऊपर कोई प्रतिप्रश्न नहीं कर सकता। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिस्टम नहीं सुधरा ना, आज भी मध्य प्रदेश में एक भी
इंटरनेशनल लेवल का या नेशनल लेवल का ऐसा बड़ा अस्पताल मध्य प्रदेश सरकार खड़ा नहीं कर पाई, ये फेल्यूर है कि नहीं कि लोगों को हार्ट का ऑपरेशन कराने बॉम्बे भागना पड़ रहा है, दिल्ली भागना पड़ रहा है, अपने यहाँ BMHRC था उसका भी कबाड़ा हो गया, तो ये सरकार का फेल्यूर है कि नहीं? आप निश्चित ही BMHRC फेल्यूर के ऊपर अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी को ब्लेम करना चाहते हैं तो मैं इस पर टिप्पणी बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि विभाग के अमेरिका से गवर्नर ने क्या नहीं, मेरा मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्वास्थ्य के फंड में अगर प्रॉपर इम्प्रूवमेंट, वरना आयुष्मान भारत भी आप यूँ कहना चाह रहे कि माननीय कमलनाथ जी के कारण अच्छा नहीं, चलेगा। नहीं, मैं वो वहाँ सवाल ही नहीं उठा रहा, वहाँ मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्या पिछले 15 साल में BJP मध्य प्रदेश में एक ऐसा सरकारी अस्पताल नहीं बना पाई जिसमें लोग अपना ऑपरेशन करा सकें, हार्ट का हो या और इस तरीके के जो गंभीर किस्म की बीमारियां हैं उनसे जुड़े हुए, चाहे कैंसर की बात हो, मैं तो उस पर पूछ रहा हूं आपसे कि 15 साल में कुछ नहीं मिला। जो गवर्नमेंट से अपेक्षा होती है कि आम जनता की आम बीमारी का इलाज अच्छे से हो, स्पेशलाइज्ड ना हो, वो अलग विषय है। बताइए साहब दुबे जी, आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया रहेगी कि 15 साल में मध्य प्रदेश की सरकार एक भी श्रेष्ठतम स्तर का अस्पताल नहीं दे पाई? देखिए, 15 साल किसी भी सरकार के लिए बहुत होते हैं, यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है प्रदेश के। आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आप देखें कि ये नहीं रोक पाई कि जानवरों पे इंजेक्शन आदमियों को लगा दिए गए, आप आँखों का ऑपरेशन का शिविर लगा उसमें सबके 15-20 लोग अंधे हो गए, चूहे बच्चे की डेथ बॉडी कतर जाते हैं, इतनी जब ये समस्याएं नहीं रुक पा रही तो बड़ी अस्पताल की आप कल्पना कहाँ कर सकते हैं। आज सरकारी अस्पताल में कोई सीरियस मरीज लेके नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ जब तक वो व्यवस्थाएं जुटाएगा तब तक चला मरीज ऊपर ही चला गया, तो सीधे लोग अपना गिरवी रखते हैं गहना और सीधे प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं जिनकी हैसियत नहीं है, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल भी सरकारी अस्पताल के नकारीपन का खूब फायदा उठा रहे हैं। वो तो ऐसे बिल्कुल बैठे रहते हैं जैसे डकैत, जो डकैतों की स्थिति है कई जगह, तो बिल्कुल ऐसे बिल बनते हैं कि आदमी के वैसे ठीक हो जाए रोग से, लेकिन बिल देख के ख़त्म हो जाए आदमी, दिल धड़क जाए। आप ये दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, शासन प्रशासन इकबाल से चलता है। जब आप एक डंडा लेके, कई बार कहा कि हम डंडा लेके अधिकारियों के दौड़ रहे, ये कर रहे वो कर रहे, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन जैसा आप बार बार जोर दे रहे थे, ऊपर से गंगोत्री बहती है, जब ऊपर से सब कुछ ठीक चलता है तो नीचे धीरे धीरे वो सुधार होता जाता है। आप देखें, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपये भेजते हैं 85 पैसे तो बीच में ही खर्च हो जाते, 15 पैसे पहुंचते हैं हितग्राही तक, तो वो ये चीज़ समझ रहे थे। लेकिन आज मोदी जी ने भी बहुत सारी चीज़ें सुधारने की शुरुआत की है, लेकिन इसके लिए जब तक एक तो मैं समझता हूँ कुछ पेशे निरंतर वो चाहिए इस पर वॉच। यहाँ गुप्ता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर स्वास्थ्य सेवाओं की हम बात करें तो क्या BJP सरकार ने सरकारी अस्पतालों को सुधारने पर जोर दिया या फिर प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ाने के लिए उनमें अनुदान बढ़ा दिया कि यहाँ कोई इलाज कराएगा तो पैसा सरकार देगी, ये सिस्टम खराब था या अच्छा था? दोनों तरह के काम पिछली सरकारों ने किए। पिछली BJP सरकार ने सरकारी अस्पतालों में भी कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, पूर्व जो स्वास्थ्य मंत्री थे मिश्रा जी, उन्होंने डायलिसिस यूनिट सब जिलों में उपलब्ध कराई, सुविधाओं का विस्तार किया, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा काकस CM सचिवालय में सक्रिय था जो मुख्यमंत्री सहायता योजना से संबंधित जितने ऑपरेशंस होते थे उनमें से 95% ऑपरेशंस सब प्राइवेट अस्पतालों में चले जाते थे, और जिनके सारे बिल अरबों करोड़ों रुपयों के बिल वहाँ से मुख्यमंत्री सचिवालय से उनके भुगतान होते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर था या कहीं ना कोई इन्वॉल्वमेंट था। और जहाँ तक आप जैसा सिस्टम की बात कर रहे हैं, देखिए अगर हम जिम्मेदारी नियत नहीं करेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री की जो सबसे बड़ी बात थी कि वो कहते थे मैं आज ये कार्रवाई कर दूंगा, कल कलेक्टर हटा दूंगा, फलाना कर दूंगा, और दूसरे दिन वो कुछ नहीं करते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी, स्टेटमेंट अच्छा देते थे, एग्जीक्यूशन नहीं होता था। वही स्थिति जो डिवेल्यूएशन सर्विसेज में आया, आपने मेरे से
जैसे पूछा मैं, हम 76 से नौकरी की हमने अभी 2014 तक, और 2000 के बाद तो सर्विसेज में जो रिवॉल्यूशन आया है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का अभाव जो हुआ है उसका मेन फैक्टर, मेन कॉज एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूअर रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिकल पर्सन दोनों इन्वॉल्व हैं। जब तक हम इच्छा शक्ति रखते हैं, अगर हम तय करते हैं कि भाई हमारे इस 1250 हॉस्पिटल में, हमीदी अस्पताल में कोई भी व्यक्ति आएगा वो निश्चित रूप से उपचार करा के जाएगा। पर होगा कैसे जब सरकारी मशीनरी में आप अगर रोज इंटरप्ट करेंगे, जैसे आपने अगर नहीं, पर नेता तो ये कहते हैं कि साहब ये नर्स मेरे कहने से रखो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो फोन कर रहा है, इस नर्स को रखो, इस वार्ड बॉय को रखो, तो क्या स्थिति है? नहीं नहीं, अब आपने जैसे मेडिकल कॉलेज है मध्य प्रदेश का, जहाँ तक मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म समझता हूँ, स्वशासी हैं ये सारे के सारे, ऑटोनॉमस हैं, और इनमें डिविजनल कमिश्नर की कमेटी के चेयरमैन हुआ करते हैं, सारी सुविधाओं के लिए वो कमेटी एम्पावर्ड है, और वो चाहें तो सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं। जब जब किसी डिविजनल कमिश्नर ने अच्छी दिलचस्पी ली है, उस दौरान हमीदिया हॉस्पिटल के रिजल्ट 2-4-6 महीने अच्छे आते हैं, लेकिन धीरे से अगर वो विड्रॉ हो जाते हैं, इंस्पेक्शन कम हो जाते हैं, लगाम डेली जोड़ देते हैं, फिर वैसी व्यवस्था हो जाती है। तो हम क्यों ना गुणवत्ता के आधार पर मूल्यांकन करें भाई। जैसे अब इस अभी आपने केंद्र सरकार ने कई IRS और बड़े अधिकारियों को, कस्टम के अधिकारियों को VRS दिया है। सिस्टम में आप अगर, आपके पास सारे नियम है भाई, अगर व्यक्ति काम नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। तो करें कैसे? संगठन खड़े हो जाते हैं कि ये SC का, ये ST का, ये सवर्ण का, ये फलाना, ये ढिकाना। नहीं, संगठन व्यक्तिगत मांगों के लिए थोड़ी होते हैं। अगर व्यक्तिगत मांग अगर कोई कर रहा है तो वो उस पर बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए। पहले जिलों में जो कलेक्टर कमिश्नर होते थे कितना काम होता था, अब मैं नहीं समझता कि अगले 10 सालों में, तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में तो शहरों की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हमें निकलना मुश्किल हो जाएगा। आम सड़कों पर जितनी तरीके से अवरोध बढ़ते जा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक हम जिम्मेदारी आप नियत नहीं करेंगे, जिम्मेदारी काम ना करने पर यदि उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो गड़बड़ होगी। प्रधान जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सिस्टम में सुधार कैसे आता है? सिर्फ आडंबर कर दें उससे आता है, या वाकई पहल तो हो और फिर पहल के बाद वो निरंतरता उसकी बनी रहे? आपकी बात से ऐसा लगता है कि सिर्फ पॉलिटिकल पर्सन्स और माननीय विधायक और माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार हैं, कोई अधिकारी तो मुझे तो बोलने दीजिए, जितने अधिकारी हैं, जितने कर्मचारी हैं, वो अगर डंडा लेके थानेदार जैसे कोई पीछे घूमता रहेगा तो काम करेंगे, और तो ही राष्ट्रभक्ति देश में निर्मित होगी, तभी देश का कल्याण होगा। और अगर माननीय मुख्यमंत्री या मंत्रीगण नहीं चाहेंगे तो देश गर्त में चला जाएगा। तो अगर ये भाव से हम अगर अपने शासकीय सेवकों को देखें तो मुझे लगता है ये गलत होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि उनके सुपरविजन के लिए इनको बिठाया गया है, लाखों रुपए इनकी तनख्वाह पे दे रही है जनता, ये क्या मतलब छाती पे मूंग दलने के लिए है कि बैठो आप 600 करोड़ की बिल्डिंग में AC में, और कहीं कोई काम मत करना, ना किसी की मॉनिटरिंग करना, तो ये बैठे काय के लिए फिर मुख्यमंत्री मंत्री फिर सब लोग? देखिए, इसीलिए जनता हटा देती है कि जो मान्य BJP के साथ ऐसा ही हुआ ना। नहीं देखिए, आप ये कह सकते हैं अगर कांग्रेस एक तरफा जीती और मध्य प्रदेश में 115-114 सीट जीत के आ गई, और इसलिए और BJP सिर्फ 109 सीट, नहीं इसलिए एक तरफ नहीं, अब मुझे कह लें दीजिए, 109 सीट से हम 200 हार गए और 115 पे एक तरफा ये जीत गए तो ठीक है। प्रधान साहब, आपकी पार्टी तो 200 पार के दावे कर रही थी ना। अरे ठीक है, पर कहीं ना कहीं इसमें कंफ्यूजन हो गया कहीं, नहीं ना कहीं ना कहीं जनता की अपनी रेटिंग अलग होती है। ठीक है, अंतिम सवाल दो भैया आपसे कि अगर कमलनाथ जी एक प्रयास कर रहे हैं और जो उनका वो जो छिंदवाड़ा मॉडल है उसी को यहाँ पर प्रदेश में लागू करने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्या इसके वाकई पॉजिटिव रिजल्ट्स और आगे आने की उम्मीद है? देखिए, आमजन ने उम्मीद जरूर पाल रखी है कमलनाथ जी से, और कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष बने और जब उन्हें छिंदवाड़ा मॉडल लागू करने की बात की। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं बात करूं अगर इस समय शासन प्रशासन की, तो निसंदेह लोगों की अपेक्षाएं हैं और उस अपेक्षाओं को पूरा करना जनप्रतिनिधि का कर्तव्य भी है। अब यहाँ देखना बहुत आवश्यक हो जाता है कि किस तरीके से सरकार अपनी इस जिसको कहें जो नई परंपरा है, जो नए, इसको नई परंपरा भी कहना उचित नहीं होगा, जो जनता के बीच की बात है वो जनता के बीच ही रहकर की जाए और उनकी सुख सुविधाओं को उन्हीं की तरह महसूस किया जाए,
ये बहुत आवश्यक है, उसमें निरंतरता भी बनी रहे, तभी सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो और लोकप्रिय होंगे। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ विवाह खबरें तो जारी रही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर, न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।